रूस यूक्रेन युद्ध में वार पलटवार का दौर जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन अपनी सीमा से ही पीछे खिसकता जा रहा है। रूसी सेना तोपों, मिसाइलों, रॉकेट्स, ड्रोन और कई अन्य खतरनाक हथियारों से यूक्रेन पर हावी है। रूसी सेना के जोरदार हमलों से त्रस्त यूक्रेन ने भी अब जबरदस्त वापसी का संकेत दे दिया है। पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य मदद के बाद से यूक्रेन तीखे तेवर दिखाने लगा है। अमेरिका के समर्थन की वजह से ही यूक्रेन का हौसला सातवें आसमान पर है। यही वजह है कि यूक्रेन अपने से कई गुना मजबूत रूस से आंख मिला रहा है। एक बार फिर यूक्रेन ने रूस पर हावी होने की मंशा दिखाई। यूक्रेनी सेना ने रूस पर सीधा वार कर दहशत फैलाने का काम किया है। बताया जाता है कि यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन के जरिए रूस पर हमला बोला। रूसी हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन की ड्रोन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। रूसी ठिकानों पर हुए 85% नुकसान का श्रेय ड्रोनों को दिया जा रहा है। हालिया ड्रोन अटैक में रूस के बॉर्डर इलाकों में काफी नुकसान भी पहुंचा है। बताया जाता है कि इस हमले में करीब 5 लोगों की मौत हो गई। रूस के कुरस्क इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमले में जान माल की हानि हुई है। रीजनल गवर्नर ने बताया कि रूसी सीमा के एक गांव में एक घर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हुई। ड्रोन ने यूक्रेन की सीमा से कुछ ही मीटर की दूरी पर रूस के कुरस्क इलाके के एक गांव पे हमला किया था। हमला कॉप्टर जैसे ड्रोन से किया गया। ये छोटा सा डिवाइस है जिसे टारगेट पर गिराए जाने वाले ग्रेनेड या अन्य विस्फोटकों को ले जाने के लिए फिट किया जाता है। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर तक की दूरी वाले बड़े विमानों समेत ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ऐसा दावा है कि यूक्रेन ने रूसी इलाकों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। उन एनर्जी साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे रूसी सेना को ईंधन की सप्लाई करते हैं। यूक्रेन के हालिया हमलों पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 36 यूक्रेनी हवाई ड्रोन को मार गिराया है जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर पर रूसी इलाकों पर हमलों में शामिल थे। ब्रांस्क में 18, कुरस्क में 9, बेलगोरोड में 9 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। मॉस्को से कई सौ किलोमीटर दक्षिण में लिपेत्स्क में 9 ड्रोन नष्ट किए गए। ऐसा दावा है कि प्रतिशोध की आग में जल रहे रूस ने भी महज 24 घंटे में यूक्रेन से हमले का बदला चुकता किया। रूसी सेना ने दक्षिण यूक्रेन के एक शहर में भीषण एयर स्ट्राइक की। बताया जाता है कि इस एयर स्ट्राइक में करीब 7 लोगों की मौत हो गई। रूस ने मिसाइल के जरिए इस हमले को अंजाम दिया। यूक्रेनी अधिकारियों ने विलिनियास्क के एक पार्क में एक पड़े शवों की तस्वीर जारी की। बताया जाता है इस हमले में 36 लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय गवर्नर ने बताया कि मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। विलिनियास्क में हुए हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के वेस्टर्न साझेदारों से रूसी हमले को रोकने का आह्वान किया है।